नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं? कब से मिलने लगे हैं? चलिए ऑप्शन सुनिएगा, कब से मिलने लगे हैं? 8वीं सदी से, बी 6ठी सदी से, सी 9वीं सदी से, और लास्ट है डी 4थी सदी से। बताइए क्या होगा? उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं? गुड इवनिंग प्रियांशु ते शुभम तिवारी। ओके हाँ, विष के दांत कहानी नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है ठीक है ठीक है, सही जवाब है। चलिए बताइए इसका। हाँ कल हिंदी का एग्जाम है। चलिए शुभम तिवारी ये बतला रहे हैं, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं? 8वीं, अनित कुमार वर्मा 8वीं, काजल भी 8वीं बता रही हैं, शुभम भी 8वीं, प्रिया भी 8वीं बतला रही हैं। चलिए वेरी गुड, थोड़ा टफ सवाल था फिर भी जवाब दे दिए, अच्छी बात है। इसका सही जवाब क्या होगा? ए होगा, 8वीं सदी से मिलने लगे हैं। समझ गए ना, इसका सही जवाब होगा ए, 8वीं। ओके चलिए और एक सवाल है, बताइएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दीजिएगा। बिरजू महाराज के बहनों का जन्म हुआ था, बिरजू महाराज के बहनों का जन्म हुआ था। सुनिएगा ऑप्शन, रामपुर में, बी जौनपुर में, सी बीकानेर, और डी है दुलारपुर। बताइए क्या होगा? बिरजू महाराज के बहनों का जन्म कहाँ हुआ था, देखकर बतलाइए। रामपुर, जौनपुर, बीकानेर, दुलारपुर, क्या होगा? प्रिया इसमें से जवाब दीजिए, देखकर आंसर क्या होगा सही जवाब। बताइए बिरजू महाराज के बहनों का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? रामपुर, जौनपुर, बीकानेर, दुलारपुर। अभिषेक ऑफिशियल बॉय बताइए, उसका जवाब आप सही दिए थे 8वीं सदी, इसका थोड़ा बताइए। नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। बिरजू महाराज की बहनों का जन्म कहाँ हुआ था? रामपुर, जौनपुर, बीकानेर, दुलारपुर। बोलिए लास्ट क्वेश्चन है। मिनी दी बता रही है दुलारपुर, गलत है मिनी। अनित कुमार वर्मा रामपुर, चलिए ठीक है। और बताइए, सुगंधा लखनऊ बोल रही हैं, तो ये वाला इसमें से ऑप्शन दीजिए, ऑप्शन इस पर सेट किया हुआ है। बिरजू महाराज के बहनों का जन्म कहाँ हुआ था? काजल भी बता रही है रामपुर, चलिए अच्छी बात है। और बताइए सब लोग, चलिए सुगंधा भी अब की बार सही जवाब भी दी है।
चलिए सही जवाब दी है, वेरी गुड।